सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। क्या आपको भी हमारे जैसा वीडियो एडिटिंग करना है कुछ इस प्रकार से? तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम आसान तरीके से सिखा दूंगा इस टाइप की एडिटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ऐसा एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा एडिटिंग सीखने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को 100% सिखा दूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, एक कैपकट का, एक वीपीएन का। तो सबसे पहले आप लोग वीपीएन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से प्ले स्टोर से जाके आप कोई सा भी वीपीएन डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे में सुपर वीपीएन बहुत ही अच्छे से चलता है, मैं सुपर वीपीएन का यूज करता हूँ, उसी को मैं डाउनलोड किया हूँ। तो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ओपन करने के बाद आप लोग चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा वीपीएन, थोड़ा सा वेट करिएगा और ये जो वीपीएन हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, चले जाना होगा अपने कैपकट में। तो यहाँ से आप लोग कैपकट में चले जाइएगा। तो दोस्तों, कैपकट में आने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को सिलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ ऐड वन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड वन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आप लोगों को यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर ब्राइटनेस वाले पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटनेस, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा, सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा, और इसको माइनस में करके इसको करीब करीब 60 के करीब ले जाके आप लोग इसको रख दीजिएगा। इसको 60 रख के और इसको भी 60 रख के आप लोगों को यहाँ पे HSL पे क्लिक करके आप लोगों को इस वाले पे इसको माइनस में, सेचुरेशन को माइनस करके तो थोड़ा सा प्लस में कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा अपने फेस पे लाइटिंग वगैरह कैसा आ रहा है, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छे से। फिर आप लोगों को ग्रीन वाले पे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड के कलर को आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस प्रकार से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। फिर येलो वाले पे क्लिक करके आप लोग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर देख सकते हैं यह स्काई है हमारा, स्काई, ये दोनों कलर आप लोगों को स्काई कलर करने में काम आता है। और इतना काम होने के बाद आप लोगों को ऊपर सही वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा और यहाँ से चले जाना होगा आप लोगों को इस वाले पे, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा इसको प्लस में करके इसको माइनस में करके और इसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा प्लस में रख के, नहीं माइनस में अच्छा लग रहा है, माइनस में करके और इसको थोड़ा सा इसके विग्नेट को बढ़ा देते हैं, और इससे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देन देख सकते हैं वीडियो हमारा कैसा दिखाई देने लगा, कैसे से कैसा दिखाई देने लगा। अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिटेच का, यहाँ पे देख सकते हैं, इससे क्या होता है हमारा फेस स्मूथ होता है। यहाँ पर इस पर आप लोगों को क्लिक करके, रिटेच पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर फेस पर क्लिक कर देना होगा। फेस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ स्मूथ वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसको इसको आप लोग 50 रख लीजिएगा, और इसको 50 रखने के बाद आप लोग ऊपर सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोगों का एक लास्ट काम बचा है, उसको कर देते हैं। आप लोगों को यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। देन वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को। वेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन खुल के आ रहा है, ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे होल ब्लर करके एक ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एकदम बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब इतना काम होने के बाद आप लोग ये सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो एकदम रेडी हो चुका है हमारा। वीडियो रेडी होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऊपर जहाँ पर दिखाई दे रहा है 1080 आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपनी वीडियो के हिसाब से, जैसा आप आपके मोबाइल में शो करे वैसा आप लोग उसको उसी हिसाब से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको होने देना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग एडिटिंग सीख भी चुके होंगे कुछ इस टाइप से, जैसे मैं किया हूँ उस तरह का एडिटिंग आप लोग भी सीख चुके होंगे। दोस्तों, ऐसे ही एडिटिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।